आपको बताते हैं कि आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। नितिन गडकरी टनकपुर को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है, जिसमें गडकरी ने 2200 करोड़ की 7 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नितिन गडकरी के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वागत किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस कार्यक्रम में पहुंच के कई करोड़ की सौगात उन्होंने जिले के लोगों को दी है। आभारी हूं आपका कि अभी आपने 16000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है, वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। हमारी चार धाम सड़क परियोजना की तरह ही मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में ये हमारा जो टनकपुर का एक केंद्र है, जहां से आज हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र पर जहां मां पूर्णागिरी का ये धाम है और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार में कई करोड़ों लोग साल भर में आते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है और उस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वर्ष आए। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम सारे धार्मिक स्थलों को देख लें तो सर्वाधिक अगर फुटफॉल कहीं पर होता है तो इस टनकपुर में होता है, जहां 50 लाख की संख्या जो है पूरे वर्ष भर पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है। आज बहुत खुशी हो रही है कि इस दुर्गम में परिसर में, इस देव भूमि में आपके अनेक सालों की जिस रोड के बारे में अपेक्षाएं थी, जिसका बार बार जिक्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, अजय भट्ट जी ने, अजय टिमटा जी ने मुझे बार बार इस विभाग के विकास के बारे में बहुत आग्रह किया, तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी डिफिकल्टीज है, अड़चने हैं, पर इनके सबके आग्रह पर जो जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 100% तो मैं नहीं कहूँगा पर 90% काम पूरे हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वहीं इसके बाद नितिन गडकरी हरिद्वार में 4750 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ गडकरी 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। आगे कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं नितिन गडकरी के, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी नितिन गडकरी के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही नितिन गडकरी शाम को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शिरकत करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। हर 5 साल में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में पार्टी भविष्य का एजेंडा तय करती है। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, सभी दायित्वधारी, जिलाध्यक्ष, सोशल मीडिया, आईटी सेल, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, नगर निकायों के अध्यक्ष और इनके अलावा करीब 250 नेता इसमें शामिल होंगे, जो कि 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव से पहले ये मीटिंग होने जा रही है और इसीलिए मुख्य मुद्दा चुनाव ही रहेगा। निश्चित रूप से 17-18 फरवरी को दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक सुनिश्चित है और इस बैठक में जो भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों में क्या क्या उल्लेखनीय कार्य हुए हैं उसको लेकर के विस्तार से चर्चा हो सकती है। देखिए, ये हमारी राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक होनी है प्रगति मैदान भारत मंडप में और निश्चित तौर से ये कि 2 दिवसीय बहुत महत्वपूर्ण बैठक देश भर के कार्यकर्ताओं की आयोजन के रूप में संपादित होने वाली है। इसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित हमारे केंद्रीय नेतृत्व का सभी को मार्गदर्शन मिलेगा और इसमें जिलाध्यक्ष उससे ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं को इसमें सम्मिलित होने का ऐसा एक सूचना है।
पढ़िए, आगे बढ़ते आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए बीजेपी बहुत बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव जीतेगी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने इस बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। कहते हैं प्रीतम सिंह के चुनाव में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं और खुद महेंद्र भट्ट दो बार चुनाव हार चुके हैं। हम सब चुनाव निर्विरोध जीत रहे हैं। अभी दुख संघ का चुनाव हुआ, दुख संघ के सारे चुनाव जाना चुनाव हम निर्विरोध जीते हैं। कांग्रेस को ना प्रत्याशी ना कांग्रेस को लड़ना चाहता है, वही कारण बड़े से बड़े नेता चुनाव से बच रहे हैं। और अच्छा हो कि कांग्रेस इस भाव के साथ कि भाई मोदी जी का कोई विकल्प बन नहीं सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी याद रखना चाहिए जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो खुद भी चुनाव हारे हैं भैया। कांग्रेस का कोई साथी ना तो डरा है, चुनाव लड़ने आना लड़ने की बात है। जब हमसे कोई बात हुई तो हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर प्रीतम सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये समझ रहे कि कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्हें जो है थोड़ा जो है संयमित होकर के बयान देना चाहिए। बीजेपी महिलाओं के बीच मजबूत पैच बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तेजी से इस फैक्टर पर काम कर रहे हैं और यही काम कांग्रेस भी करना चाहती है, लेकिन महिला नेताओं की कमी झेल रही कांग्रेस के लिए ये काम किसी चुनौती से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां जहां गए, रोड शो से लेकर सभी प्रोग्राम में महिलाओं की अहम भूमिका रही। सोमवार को हरिद्वार में नारी शक्ति महोत्सव हुआ तो महिलाओं का हुजूम उमड़ा। इसी तरह के सम्मेलन की तैयारी महिला कांग्रेस भी कर रही है। महिला कांग्रेस 29 फरवरी को हरिद्वार में नारी न्याय सम्मेलन करेगी, जिसमें चेहरा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा होंगी। संकट यही है, कांग्रेस के पास राज्य में कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं है जो महिलाओं को साथ सके। वो चिंता करते हैं, इसके बारे में वो बात भी करते हैं हर सार्वजनिक मंच से, तो महिलाओं के बीच में इतनी मजबूत कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का है कि आज कांग्रेस कहीं ना कहीं विचलित है इस बात से। तरह तरह के पैतरे वो अपनाती रहती है इसको डेंट करने की कोशिश में, लेकिन देखिए कुछ मामलों में और खासकर जहां महिलाओं की बात आती है, महिलाएं भावुक होती हैं और महिलाएं बहुत सोच समझकर वोट देती हैं, तो जहां मोदी की बात आती है, धामी की बात आती है, और जहां बात आती है कि महिलाओं की आर्थिकी और महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, वो राजनीति में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने के माध्यम से हो, विभिन्न पदों पर आज हमारी महिला चीफ जस्टिस, महिला चीफ सेक्रेटरी, मतलब एक कांग्रेस के लिए संकट यही है। पार्टी महिलाओं को साथ तो जोड़ना चाहती है लेकिन कोई चेहरा नहीं है, तो चुनाव दर चुनाव महिला वोट कांग्रेस के हाथ से खिसकता जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में जो महिला नेता और विधायक है भी, वो कभी कांग्रेस में ही थी और नेता बनाने का काम कांग्रेस ही करती है। क्यों नहीं, महिलाएं हमारे जो हमारे प्रदेश में महिलाएं काम कर रही हैं, या हमारी जो एमएलए है ममता राकेश है, हमारी दूसरी एमएलए अनुपमा रावत है, तो महिलाएं तो काम कांग्रेस में भी हैं, और रेखा आर्य जो जिनके वो बात कर रहे हो तो कांग्रेस से गई हुई है, तो नेता तो कांग्रेस ने उनको बनाया। और कांग्रेस में महिला नेता के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा इंदिरा हृदयेश रही, जिनका राजनीतिक दखल पूरे प्रदेश में था, पर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद जो पार्टी महिला नेतृत्व को लेकर खाली हो, उसके लिए उत्तराखंड में महिलाओं को साथ जोड़ना आसान नहीं होने वाला। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मनभूलपुरा हिंसा में शामिल दंगाइयों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और इसी कड़ी में पुलिस दंगाइयों के यूपी भागकर छिपने की सूचना के बाद बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में दबिश दे रही है। इसके साथ ही आपको बताएं कि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक जो है वो अब भी फरार है, उसकी तलाश भी की जा रही है।
तो ऐसी जानकारी जो मिली है पुलिस को, दंगाई जो हैं वो यूपी भाग गए हैं। दंगा मचाने के बाद बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में अब पुलिस की दबिश बढ़ गई है। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि बनभूलपुरा हिंसा सांप्रदायिक दंगा नहीं था, ये एक प्लानिंग के तहत अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला बोला गया था और कोई इसे सांप्रदायिक दंगे का रूप देने की कोशिश नहीं करे। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, पुलिस अपना काम कर रही है, दोषियों के खिलाफ ठोस सबूत के आधार पर कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। बताया गया कि इसको कोई भी लोग इसको कम्युनल टिंज ना दें, इसका कोई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, नंबर वन। नंबर टू कि चूंकि जिस तरह से वो घटना हुई थी और पुलिस पे और प्रशासन की टीम पे हमला किया गया था, तो ये इस चीज़ को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसमें हमने 3 FIRs रजिस्टर की हैं और उन FIRs में हम प्रॉपरली साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके इसमें जो भी दोषी लोग हम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और उस पर मैंने उनको ये भी अश्योर किया कि ये बिल्कुल दिमाग से ख्याल निकाल दें कि हम पुलिस इसमें किसी इनोसेंट लोगों को किसी तरह से इनोसेंट लोगों को फंसाएगी या कोई ज्यादती करेगी। हम जो भी कार्रवाई करेंगे लॉफुल एक्शन लेंगे, लेकिन इस प्रकार की अफवाहों पर वो ध्यान ना दें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी की शाम को हुई हिंसा के मामले में शामिल दंगाई अब अपनी गलती मानते हुए माफी मांग रहे हैं। प्रशासन ने इसका माफी मांगता एक वीडियो भी रिलीज किया है। ये दंगाई अपनी गलती मान रहे हैं और इसी को लेकर एक वीडियो भी डाला गया है जिसमें आप देख पाएंगे कि अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे ये दंगाई। हल्द्वानी हिंसा का आज छठा दिन है और आज भी बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है। इसके साथ आपको बताएं आवाजाही और इंटरनेट सर्विस पर रोक जारी है। आज भी कर्फ्यू वाले इलाकों में जरूरी सामान जैसे दूध, खाने पीने की चीजें, राशन की सप्लाई प्रशासन करवा रहा है। इन इलाकों में मौजूद सरकारी अस्पतालों को खोल दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को अस्पताल ले जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन बनभूलपुरा के अंदर कई लेयर की सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।